अत्यंत दुख का विषय है जिसमें एक लड़की की गर्दन काटकर पूल ऑफ ब्लड के अंदर खून के बीच में लाश मिली है जली हुई हालत में, ताकि उसका चेहरा ना पहचाना जाए। और ये 24 परगना बंगाल की घटना है, और ये घटना याद दिलाती है किस प्रकार से लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जो है वो बंगाल में पाए जा रहे हैं। और ममता दी जो माँ माटी मानुष की बात करती थी, आज उन्होंने उस देवी क्षेत्र को बॉम्ब बुलेट और बेटी के साथ अन्याय में बदल दिया है, जो कि इन सब चीज़ों से स्थापित होता है। कल ही का विषय है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर उसकी माता की हत्या की गई। उससे पहले 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, जिसके अंदर दुख की बात है कि ममता जी जो खुद महिला है, उनका बयान आया कि ये लव अफेयर का मामला था। आप मुझे बताइए कि लव अफेयर भी हो तो कम उम्र की 14 साल की लड़की के साथ कोई भी ऐसी घटना हो तो क्या वो घटना रेप में नहीं आती? ये तो देश का कानून है, और देश के में किसी राज्य की मुख्यमंत्री को देश का कानून भी पता होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं, आपकी रिपोर्ट्स के माध्यम से, मीडिया की रिपोर्ट के माध्यम से ये सब जानकारी हमारे सामने आई, और हैरानी होती है ये सब सुनकर कि बंगाल जैसा प्रदेश जहां पर जनरली जो लोग हैं वो महिलाओं के अधिकार और देवी पूजक हैं, और वहां के समाज में ये जो इतना बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं राज्य की जो सरकार है वो जिम्मेवार है। क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमज़ोर होगी, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे, तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है, तो ये कहने से यानी लोग खुद जिम्मेवार हैं, ना कि सरकार या पुलिस के लोग जिम्मेवार हैं। और आकर जब भी ऐसी घटना घटे तो किसी को भी ब्लेम करो, कभी विक्टिम जो है वो खुद जिम्मेवार है, जैसा कि वो 14 साल की बच्ची के केस में हुआ, उसको लव अफेयर बताया। और मुझे याद पड़ता है पार्क स्ट्रीट का केस, जिसके अंदर उन्होंने उस विक्टिम के खिलाफ कुछ और कहा था। 40 दिन के भीतर 15 इस तरीके के मामले पाए गए पिछले 2022 के अंदर, क्लास 4 की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी। तो मैं जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि सरकार इस केस में कुछ काम करने वाली है या बाकी किसी को भी ब्लेम करने वाली है। इनके नेता आकर उसके ऊपर लीपा पोती का काम करते हैं। जब ऐसी भी अभाग्यपूर्ण घटना घटती है तो ऐसी घटना में ना तो I.N.D.I.A वाले कुछ बोलते हैं, जैसे कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है, और बंगाल में कुछ होता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, तो वो किसी की जिम्मेवारी नहीं है। और इसी प्रकार से जो बंगाल की सरकार है, वेस्ट बंगाल की सरकार है, वो भी पश्चिम बंगाल की सरकार कभी महिलाओं को खुद, विक्टिम्स को खुद, उनको नेम एंड शेम करने लगती है। लोगों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, और कभी किसी और को जिम्मेवार ठहराएंगे, लेकिन प्रशासन को या जो अपराधी हैं उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। तो मैं चाहूँगी कि इस केस के अंदर जो जिम्मेवार लोग हैं उनको जिम्मेवार ठहराकर तुरंत कार्रवाई की जाए, ना कि अपना चेहरा ढकने के लिए किसी और को षड्यंत्र के तहत इस्तेमाल किया जाए।